जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष गुणवंत पाटीदार पर नारायणगढ़ पुलिस द्वारा डोडा चुरा के फर्जी प्रकरण बनाने के आरोप लगाते हुए उसके विरोध में कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद के साथ सैकड़ों कांग्रेस नेताओं ने मंदसौर एसपी कार्यालय का घेराव किया। आप संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? क्या वास्तविक में 56 किलो डोडा चुरा? मेरी बात आप दिल पे हाथ रखे, दिल पे हाथ रखे, दिल पे हाथ रखे, दिल पे हाथ रखे, लड़ो आप इंडिपेंडेंट लगा के गिरफ्तार किया। जिस समय उसने बताया उस समय जो बूढ़ा के कौन थे वो जिनसे दुकान पे बैठे जी को बोल दिया है बूढ़ा वाले दुकान पे बैठे अरे वीडियो फोन लगा के धमकी दी थी रुपए पर फर्जी गोली मार ये किया इस वक्त उस समय भी अखबारों में छपा था प्रशासन। आज हम लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए हैं और आकर के माननीय पुलिस अधीक्षक से ये ज्ञापन देने के लिए आए थे कि पुलिस मंदसौर जिले की लगातार फर्जी प्रकरण बना करके किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को फंसा रही है, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे विरोधियों के विरुद्ध कार्रवाई करवा रही है। एनडीपीएस एक्ट जैसी खतरनाक धाराओं में जो विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ऐसे ही जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष गुणवंत पाटीदार उनको जो है उनके खिलाफ 56 किलो का डोडा चूरा बूढ़ा की पुलिस चौकी ने बनाया और नारायणगढ़ थाने के शाह पे उन्होंने उस कार्यक्रम को किया, जिससे प्रतिष्ठित व्यक्ति गुणवंत पाटीदार को उन्होंने जेल भेजने की तैयारी करी। निश्चित रूप से इस घटना की निंदा करते हैं, साथ साथ में ये भी कहते हैं कि लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जब से यहाँ भाजपा की सरकार है तब से लगा करके अभी तक फर्जी डोडा चूरा, फर्जी शराब कांड, फर्जी तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है। रियल में इसके पीछे लोग हैं, उन लोगों तक तो पुलिस गलबेलियां करती है, उनके साथ बैठकर के चाय की चुस्कियां लेती है, तस्करों से साठगांठ करती है, लेकिन फर्जी तरीके से अन्य किसानों को, मजदूरों को और गरीबों को फंसाने का काम करती है। आज मैंने एसपी साहब से दूरभाष पे बात करी, फोन से बात करी, तो वो कहीं जिला कलेक्टर की और डीजे की मीटिंग में व्यस्त थे। उन्होंने अमित कुमार जी वर्मा जो यहाँ के एडिशनल एसपी है उनको हमारे बीच में भेजा है और उन्होंने आकर के हमारा ज्ञापन लिया और ये आश्वासन दिया कि इसकी जो निष्पक्ष जांच करेंगे और मुझे उम्मीद है कि पुलिस अभी भी अपना रवैया सुधार ले और निश्चित रूप से जो फर्जी प्रकरण है उस फर्जी प्रकरण का पट्टा शेप करे, गुणवंत पाटीदार की गिरफ्तारी नहीं करे और इसके साथ साथ जो पुलिस अधिकारी दोषी है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। कारण यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार जिस तरीके से हरकतें हो रही है वो हरकतें कतई ठीक नहीं है और आज हम लोग आए 8 दिन का उन्होंने 10 दिन का आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर अंदर हम लोग जांच करवा लेंगे और दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अगर 10 दिन में नहीं होता है तो हम लोग पुनः इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज बीमार भी था और बीमारी में आज अभी उठ करके यहाँ एसपी कार्यालय का घेराव करने के लिए हम लोग आए हैं। आज थोड़ा स्वास्थ्य खराब है लेकिन आगे 10 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरी शक्ति के साथ अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे। जब जब अन्याय और अत्याचार होगा तब तब कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेगी।